इल्सा परवेज भारत की समकालीन महिला साहित्यकार और कथाकार है। वर्ष 1970 में उनका पहला उपन्यास आँखों की दहलीज प्रकाशित हुआ था। आँखों की दहलीज, कोर्जा, अकेला पलाश, सम्रांगण और पासंग उनके प्रमुख उपन्यास हैं। आदम और हव्वा, टहनियों पर धूप, गलत पुरुष, फाल्गुनी, अंतिम पढ़ाई, सोने का बेसर, अयोध्या से वापसी, एक और सैलाब, कोई नहीं, कानीबाट, ढहता कुतुब मीनार, रिश्ते, अम्मा और समर उनकी प्रमुख कहानियां हैं। उन्हें साहित्य भूषण सम्मान, महाराजा वीर सिंह जुदेव पुरस्कार और सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वे अखिल भारतीय महिला साहित्य समागम में पधारकर साहित्य से श्रोताओं को रूबरू करवाएंगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।